Forse potete vedere la faccia di Giuda. E che so, Giuda. Giuda, sto ne vuoi parlare a me. Uske pagine che mi si cogliettano. Ma c'è lì giunghi. C'è lì giunghi. Thank you.
अंदर आई। कौन? किसने बात की? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहाँ जाओ? हम तुम्हारा गांव छोड़कर बहुत दूर चले आए। जाओगी? जाओगी कहाँ? नाव चल रही। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं, 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 मेरे पास मत आइए, मेरे हाथ मत लगाइए। जाने दो। जो हुकुम मालिक। में नहीं? नहीं तो? तो फिर किससे बातें कर रही? बात कहा, माजी को तो पुकार रही थी। कल रात माजी मेरी चावल मांगने गई थी। तेरे यहाँ गई थी? चावल मांगे? हाँ, कह रही थी तेरे बड़े बाबू दो दिन बाद लौट रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तू थोड़े से चावल दे दे, उससे काम नहीं। भिया! भिया! बड़े बाबू, बड़े बाबू, तब से आप यहीं बैठे हैं। दिन चढ़ाया। दिन चढ़ाया? हाँ, तब तो विराज जरूर आ गई होगी, उसे तो मालूम है रात मैंने खाना नहीं खाया। विराज! विराज, विराज लौटा, विराज तू लौटा। विराज कहाँ लगी बाबू? क्यों जग्गू? सब कुछ ठीक है ना? नहीं बाबू, उस घर में क्या हुआ? रात बड़े बाबू से झगड़ा करके बड़ी माँ जी घर से चली गई, अभी तक कुछ पता नहीं मिला। हो सकता है नदी में डूबकर। क्या कहते हो? हाँ बाबू, उसी के बाद बड़े बाबू पागल जैसे हो गए। चलो जल्दी चलो, जैन जी को देखा है। तुम सामान उतारो। अच्छा मालिक।
भगवान, उसे लौटा दो भगवान, उसे लौटा दो, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। पत्थर के बने हो, दीदी ने मुसीबत में आत्महत्या कर ली है और अब भी हम गैर बने रहेंगे। अगर आत्महत्या की होती तो लाश अभी तक कब की नदी में ऊपर आ जाती? नहीं भी आ सकती है, शायद धारा में बह गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सती लक्ष्मी के देह को गंगा मियाँ ने अपनी गोद में ले लिया हो। इसके अलावा खोज भी किसने की है, तुम जाके पता लगाओ ना। अंतर्यामी, तुम तो सब कुछ जानते हो। उसने जब दिल भर अपराध नहीं किया तो सारा पाप मेरे ही सिर पर है। उसे स्वर्ग में जाने दो। उसने यह बहुत दुख उठाया, हमारे उसे दुख ना दे, हमारे उसे दुख ना। कौन? छोटी बहू, लेकिन विराज तो यहां नहीं, वो मुझसे रुक कर चली गई। कुछ पता नहीं चला? नहीं, मछुओं को लेकर सारी नदी छान मारी, शायद नदी में डूबी नहीं। ये बात रह रहकर मेरे दिल में आती है मोहिनी, कि सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे भैया की हालत नहीं देखी जाती। अच्छा, भाभी कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चलेगी? नहीं, दीदी अपने आन पर मर मिटने वाली थी, उन्होंने जरूर नदी में डूब कर ही जान दी है। फिर भी तुम कहते हो तो किसी को भेजकर पता लगा लो, भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। जग्गू, जग्गू! जग्गू को मैंने तुलसी को बुलाने भेजा है, शायद वो कुछ जानती हो। क्यों, जग्गू से क्या काम था? वो आए तो उसे इस बाढ़ को तोड़ डालने के लिए कह देना। नहीं, मैं खुद ही तोड़ डालता हूं। भीकू, हाँ छोटे बाबू, तेरी गाड़ी मिल सकती है? क्यों, कहाँ जाना है? कल रात से बड़ी भाभी घर पर नहीं, पता लगाना कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चली गई। हाँ हाँ, मिल सकती है। छोटे बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। सुबह घर पर मल्लाह कुछ बातें कर रहे थे। क्या? वो कह रहे थे कि रात सुंदरी के साथ एक औरत बजरे में जूनी बैठी, बजरा चल पड़ा। किसके साथ? सुंदरी। सुंदरी? हाय दीया, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं सब बताती हूँ। मैंने तो सिर्फ बड़ी बहू को जिम्मेदार के बजरे तक पहुँचा दिया था, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो घर से झगड़ कर मेरे पास आई और बोली, सुंदरी जी चाहता है तेरी जबान नोचल कमीनी, ये तूने किस जन्म के बैल का बदला लिया? घर जाकर देख बड़े भैया की क्या हालत हो गई। नीच, तुझे सिंगा जला देने से भी तेरे पापों का प्राश्चित तो होगा। बड़े भैया, खाना पक गया। खाना पक गया, लेकिन विरासत अभी तक नहीं लौटी, वो भी तो बिना खाए चली गई। वो पता लगाने गए हैं, आप चलिए। पीतू, कोई खबर मिली? चुप क्यों है, बोल, बोलता क्यों नहीं? भाभी मरी नहीं। मरी नहीं तो कहाँ है? बोल, मैं उसे अभी ले आऊं। सुंदरी कह रही थी कि कल रात भाभी घर से घाट की तरफ गई,
और सुंदरी ने जिम्मेदार के बजरे भाभी हम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई भैया? चल अंदर चल सब बताता हूँ। ये क्या छोटी भाभी, मैंने कहा था ना कि भैया के लिए आज मैं खाना पकाऊंगी, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अच्छा तुम ही, भैया की जो हालत है अगर उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल न रखा गया तो उनका बचना मुश्किल है। मुझे तो ताजी है कि तुम लोगों के होते हुए उनकी हालत कैसी है। ये उनके देह की नहीं मन की बीमारी है, इसके लिए छोटे भैया और तुम जिम्मेदार। आज छोटी बहू नजर नहीं आती? मैं यहाँ हूँ बड़े भैया। ये हटा ले, नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं तुम्हें सब खाना होगा, मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखता हूँ तेरा बचपन अभी तक नहीं गया, अगली अब मेरी वो खुराक नहीं रही। मगर ना खाने से तुम्हारा ये शरीर कैसे टिकेगा, जरा अपनी सूरत तो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। भैया चलो हवा पानी बदलने के लिए किसी अच्छी जगह हो आए। तुम झूठ मूठ परेशान होती है पुन्नो, मुझे कुछ भी नहीं हो। नहीं नहीं मैं तुम्हारी एक ना मानूंगी, कल ही टिकट मंगवाने का बंदोबस्त करती हूँ, तुम्हें चलना ही होगा। अच्छा जब तू इतना कह रही है तो चल सभी कहीं घूम आए, तुम लोग भी चलो ना छोटी बहू। नहीं बड़े भैया मैं मकान छोड़कर नहीं जा सकती, आप ही लोग जाइए। क्यों छोटी बहू क्यों नहीं जा सकती? छोटी भाभी अगर जाना नहीं चाहती। ये कैसे हो सकता है हम लोग जाए और वो लोग, क्यों नहीं जाना चाहती हो छोटी बहू? अगर दीदी किसी दिन वापस आए और खाली मकान देख कर लौट जाए। जी छोटी बहू अगर तुम भी ऐसी पागलपन की बात कहो, ऐसी नादान बन जाओ तो फिर मेरा क्या होगा? मैं नादान नहीं हूँ बड़े भैया, आप जो जी चाहे कहिए, लेकिन जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी। स्वामी के चरणों में मरने का वरदान लिया था उन्होंने आपसे, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। जब तक जीती रहूंगी इसी आशा से उनकी लाश देखूंगी।
आप मुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए बड़े भैया, मैं कहीं नहीं जा सकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। भाऊजी जल्दी चलिए, सुंदरी को सांप ने काट लिया है। कब? थोड़ी देर पहले। जल्दी चलिए बड़े बाबू, मरने से पहले आपको देखने के लिए बेचैन। क्या हुआ रे केशव? सुंदरी को सांप ने काट लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मरने से पहले बड़े बाबू को देखना चाहती है। नहीं नहीं, बड़े भैया उसके यहाँ नहीं जाएंगे। जी पीतू, ऐसा नहीं कहते, न्याय न्याय का विचार भगवान करते हैं, हमें किसी से घृणा न करना चाहिए। चलो केशव, मैं चलता हूँ। बड़े बाबू नहीं आए। आते ही होंगे सुंदरी, केशव उन्हें बुलाने गया है। मेरे पास समय नहीं, मेरा दम घुटा जा रहा है। बाबू आ गए। बड़े बाबू आ गए सुंदरी। बड़े बाबू आ गए। ओझा को खबर भेजी है। ओझा से अब कुछ ना होगा, मुझे अपने चरणों की धूल दो बड़े बाबू। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बुढ़ा के लालच से मैं ही बड़ी बहू को जिम्मेदार के बदले तक ले गई थी। उनका कोई दोष न था। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्या मर गई बेचारी।